हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन। मैंने ये ऑलरेडी लिखा है, इससे हमारा लिखने का टाइम बचेगा और दूसरा हमारा ज़्यादा फोकस लिखने के बजाय समझने पर होगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ कीजिए और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार पढ़िए, रोज़ पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए। जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो आपको चीज़ें अच्छे से याद होने लगेंगी। ठीक है, ये आज का टिप था। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन के साथ। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी भी प्रकार की जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण क्यों किया? वर्गीकरण इसलिए किया ताकि उनको समझने में आसानी हो सके। उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, अलग अलग भाग में रख दिया कि भाई ये वाली अभिक्रिया को हम यहाँ रख देते हैं, ये वाली अभिक्रिया को यहाँ रख देते हैं। उससे क्या होता है, उनके अध्ययन में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमें देखना है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से लाइन खींच के अगर ये अंतर लिखेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आपसे अकेला अपचयन पूछें तो ये पूरा कॉपी कर दीजिए, अकेला ऑक्सीकरण पूछें तो ये सारा कॉपी कर दीजिए। अब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको याद कैसे करना है। आपको यहीं के यहीं सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण के साथ में। नाम से आपको क्या लग रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैग्नीशियम का तार था और उस तार को आपने ऑक्सीजन से क्रिया करवाने का मतलब होता है ऑक्सीजन में जलाया। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाया। तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो किसका रहा है। ये तीन चीज़ें हैं, आपसे अक्सर ये ही पूछ लिया जाता है कि बताओ इस बली अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो मैग्नीशियम का हो रहा है। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ। देखिए, ये वाले मैग्नीशियम के साथ में क्या ऑक्सीजन था? नहीं था। लेकिन इस वाले मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन है? हाँ है। तो इस वाले मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इस वाले मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक है, कभी कभी बच्चे MgO लिखाते हैं, MgO तो ऑक्सीकरण होने के बाद बना है, हुआ किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप योग करते हो तो जस्ट उल्टा करते जाना है आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन करना है यानी ऑक्सीजन को हटाना है। अगर मैं इसी क्रिया को उल्टा लिख दूं तो ये हो जाता है मेरा अपचयन। ठीक है, MgO में से जब इसको गर्म किया तो Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। लेकिन बात याद रखना कि हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वाली अभिक्रिया जो है वो दोनों तरफ से होती है, इसलिए हमने इसे उल्टा लिख लिया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अभिक्रिया ऐसे हो रही है तो वो अभिक्रिया ऐसे भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, ये अभिक्रिया होती है इसलिए मैंने इसको उल्टा लिख लिया। ठीक है, याद रखिएगा, हर बार इसको ऑपोजिट करके मत लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का वियोजन करना है, हटाना है। इसके पास ऑक्सीजन था, हाँ, मैंने उस ऑक्सीजन को हटा दिया। जब मैंने उस ऑक्सीजन को हटाया तो बच गया मेरे पास मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का हुआ है अपचयन। तो मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूँ कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का वियोजन। हाइड्रोजन का वियोजन का क्या मतलब है कि जैसे ये कोई अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया में ये जो है, यहाँ पे एक सल्फर दिख रहा है आपको, इस सल्फर के पास में इसका फ्रेंड कौन था? इसका फ्रेंड था हाइड्रोजन। पर क्या इस वाले सल्फर के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं। तो इस सल्फर में से हाइड्रोजन हट गया और बच गया केवल सल्फर। तो मैंने कहा हाइड्रोजन का वियोजन करना है, यानी कि इस सल्फर में से हाइड्रोजन अलग हो गया। समझ गए? यहाँ पे उल्टा होगा, उल्टा हुआ है, हाइड्रोजन का योग करना है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आप लिखना कि यहाँ पे H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का योग करके देखते हैं। आपने लिया एथीन, इसका नाम होता है हमारा एथीन।
ये एथीन है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब इसे हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और ये एनआई उत्प्रेरक है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पे जो एथीन है, एथीन में डबल बॉन्ड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो एथेन बन जाता है, इसका नाम होता है आपका एथीन। अब देखिए यहाँ पे दो और दो चार हाइड्रोजन थे, लेकिन इसमें तीन और तीन छः हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाएगी हमारी अपचय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यानी यहाँ पे किसका हुआ है, इसका क्या, अपचय, विद्युत धनी तत्वों का वियोजन। अब ये याद कैसे होगा, चलो ये तो पता है मुझे कि हाँ भाई लिख दिया मैम ने विद्युत धनी तत्वों का वियोजन होता है। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन जो था वो खुद भी तो धनात्मक होता है, हाइड्रोजन धनात्मक माना जाता है, तो हाइड्रोजन धनात्मक है तो विद्युत धनी तत्वों का वियोजन हमको करना है। कैसे करेंगे, जैसे Ki और Cl2 की क्रिया जब करवाते हैं तो KCl और I2 बनता है। अब देखना यहाँ पे जो आयोडीन है, यहाँ पे जो आयोडीन है वो किसके साथ जुड़ा है, एक पोटेशियम के साथ में, पोटेशियम धनात्मक होता है, ये सोडियम जो होता है सोडियम के ही परिवार का होता है पोटेशियम। ठीक है, 19 नंबर पे आता है, तो सोडियम आपका धनात्मक है, पोटेशियम भी धनात्मक होता है, तो ये जो पोटेशियम है वो धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे आप देखना इस I2 के साथ में पोटेशियम नहीं है, यानी इस I2 के साथ एक धनात्मक चीज़ थी, जैसे ये समझो I2 है, I2 ने कुछ रखा हुआ था अपने पास धनात्मक, वो धनात्मक चीज़ यहाँ गायब हो गई। इसका मतलब है धनात्मक चीज़ जब नहीं होती है, वो हट जाती है, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे हमें धनात्मक चीज़ों को योग करना है, यानी इस मैग्नीशियम, इस क्लोरीन के पास, देखो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना कि इस वाली रिएक्शन में जो क्लोरीन है वो क्लोरीन के पास कोई भी धनात्मक चीज़ नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम जो कि धनात्मक होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम धनात्मक तत्व में माना जाता है और क्लोरीन ऋणात्मक तत्व माना जाता है। तो क्या हुआ, क्लोरीन से एक धनात्मक चीज़ आके जुड़ गई तो बन गया ये। अब बात ये है, सिर्फ अपना इसमें ये याद रखना कि इसमें अपचयन हो किसका रहा है, इसमें अपचयन क्लोरीन का हो रहा है, मैग्नीशियम का नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि धनात्मक चीज़ क्लोरीन से आके जुड़ी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जो धनात्मक तत्व है उसके बजाय अगर हम ऋणात्मक तत्व ले लें तो इसका जो वियोजन हुआ है वो उसका योग बन जाएगा, यानी कि धन को कर दिया ऋण और वियोजन को कर दिया योग, इसके जस्ट ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, या इसको अगर हम पहले वाले से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखते O-2, ऋणात्मक होता है, तो अगर ऋणात्मक चीज़ को आप यहाँ जोड़ रहे हो तो ऋणात्मक चीज़ को आपको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि विद्युत ऋणी तत्वों का योग करवाना है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अब यही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं कैसे। आपको विद्युत ऋणी तत्व, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम होता है वो आपको धनात्मक चीज़ होती है और जो क्लोरीन होती है वो आपकी ऋणात्मक चीज़ होती है। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में आपसे कह रही थी कि धनात्मक चीज़ इसके साथ जुड़ गई, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर ऋणात्मक चीज़ भी तो इसके साथ जुड़ गई। ठीक है, जब ऋणात्मक चीज़ इसके साथ जुड़ गई तो ये बन जाता है MgCl2। बस याद रखने वाली बात इसमें ये है कि वहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा था, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ में ऋणात्मक चीज़ जुड़ी है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ में धनात्मक चीज़ जुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सेम है और मैंने जानकर के ये लिखी है ताकि आपको दो दो चीज़ें एक साथ समझ में आ जाए। तो विद्युत ऋणी तत्वों का योग करवा दिया। सिमिलरली वियोजन देखेंगे जस्ट ऑपोजिट, कि आपने FeCl3 लिया है। ठीक है, इस एक Fe के पास कितने क्लोरीन हैं, तीन। ठीक है, क्लोरीन ऋणात्मक होता है, ये दोनों धनात्मक होते हैं, ऑक्सीजन आपका ऋणात्मक होता है, हाइड्रोजन जनरली धनात्मक में काउंट किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऋणात्मक लिख दिया है मैंने, चलिए कुछ इस तरीके से होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। वियोजन की बात कर रहे हैं, किसका, विद्युत ऋणी तत्वों का वियोजन। विद्युत ऋणी तत्व है हमारा क्लोरीन, क्योंकि ऋणी है, विद्युत ऋणी तत्वों का वियोजन करवाना है। तो यहाँ पे एक Fe के पास तीन क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे Fe के पास दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन तो गया ना, तो विद्युत ऋणी तत्व चला गया, तो विद्युत ऋणी तत्व चला गया, इसलिए हमने इसको बोला है वियोजन, विद्युत ऋणी तत्वों का वियोजन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अपचयन की बात करेंगे तो किसका होगा, FeCl3 का।
नेक्स्ट और लास्ट होता है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये आधुनिक परिभाषा है, ये पहले दिया था इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था ऑक्सीकरण अपचयन का कॉन्सेप्ट, तब ये परिभाषाएं दी गई थी, लेकिन आजकल जो परिभाषा यूज की जाती है वो ये वाली यूज की जाती है, इसलिए इसको लिख देना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है हमको, तो आपने सोडियम लिया और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो ये आयन में बदल जाएगा। जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो सोडियम धनात्मक आयन में बदल जाता है, ये आपने परमाणु वाले चैप्टर में देखा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, यानी कि क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको एक ही जरूरत होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ धनात्मक लिखा है और यहाँ निकला था इसलिए बाद में इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। तो क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो ये क्लोरीन माइनस बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है अपचयन, तो क्लोरीन का हुआ है अपचयन और यहाँ सोडियम का हुआ है ऑक्सीकरण। तो बेसिकली हम अगर एक समराइज करें तो हम एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको, ऑक्सीजन का योग अगर आपको याद है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलती चली जाएंगी। कैसे? ऑक्सीजन का योग है तो इधर का तो आपको सारा मुझे पता है कि इधर का पता है, तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि सारा ऑपोजिट है, ये योग है, ये वियोग है, ये वियोजन है, यहाँ पे योग आ जाता है, ठीक है, ये तो ऑपोजिट है। लेकिन इसको पूरे को कैसे याद रखें? ऑक्सीजन का योग किया है तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन ऋणात्मक चीज होती है जैसा कि हमने यहाँ देखा है, तो ऑक्सीजन ऋणात्मक चीज है तो हमने यहाँ पे ऋणात्मक चीजों को भी जोड़ दिया, जब इनको जोड़ा है तो फिर धनात्मक चीजों को निकालना है, यानी ये और ये सेम है, ये इसका ऑपोजिट है और ये इसका सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बन रहा है। तो अगर आपको ये चार परिभाषा है तो यूं ही याद हो जाएंगे, और सिमिलरली ये चार इनके अगेंस्ट होती हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें, और थैंक यू सो मच, इसको शेयर करना ना भूलें।